खबर इटावा जनपद से है, जहां जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों ने कूल्हे की हड्डी के सफल प्रत्यारोपण में एक बड़ी सफलता हासिल की है। जिला चिकित्सालय के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सिकोहाबाद निवासी 42 वर्षीय सूर्यकांत 2 वर्ष से कूल्हे की हड्डी में दर्द से परेशान थे और कई जगह अपना इलाज करा चुके थे, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिला। सभी जगह इनको कूल्हे के प्रत्यारोपण की सलाह दी गई, क्योंकि ये ऑपरेशन सिर्फ मेडिकल कॉलेज या सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ही संभव है और काफी महंगा भी है। इसलिए मरीज सूर्यकांत यह ऑपरेशन कराने में सक्षम नहीं थे। इस बात की जानकारी जब उनको हुई तो उन्होंने सूर्यकांत का ऑपरेशन करने का बीड़ा उठाया और जिला चिकित्सालय में ही सीमित संसाधनों के बीच कूल्हे के प्रत्यारोपण का जटिल ऑपरेशन कर इतिहास रच दिया। उन्होंने बताया कि मरीज को अब दर्द से राहत मिल चुकी है और वो पूरी तरह स्वस्थ है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर SS भदौरिया ने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर दीपक गुप्ता और उनके सहयोगी डॉक्टर RC यादव, OT इंचार्ज उर्वशी दीक्षित, स्टाफ नर्स दिलीप कुमार, OT सहायक विनोद कुमार, आदेश कुमार और सफाई कर्मी नरेश को इस जटिल ऑपरेशन का सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए बधाई दी और कहा कि वो आगे इस ऑपरेशन के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास कर सके ताकि अन्य गरीबों को भी इसका लाभ मिल सके। इटावा से विनय कश्यप की रिपोर्ट। ये चीज़ मैंने फिर उसको कहा कि हाँ ठीक है, मैं करने को तैयार हूँ, और फिर मैंने उसका कूल्हे का प्रत्यारोपण पूर्ण रूप से किया। जनरली ये सर्जरी जो है मेडिकल कॉलेज में होती है, हमारे अस्पताल में ये पहली बार सर्जरी हुई है और मरीज अब संपूर्ण रूप से स्वस्थ है। उसका पैर 1.5 इंच छोटा हो गया था, वो लगभग पैर बराबर है उसका, उसको अब कोई दर्द भी नहीं है। जो पहले उसको दर्द होता रहता था वो नहीं है और मरीज पूरी तरह स्वस्थ है। तो हमारे यहाँ जो कूल्हे का प्रत्यारोपण हुआ है वो बिना सीमेंट वाला हुआ है। सीमेंट वाला जो है जनरली वो ज़्यादा उम्र के लोगों को किया जाता है और बिना सीमेंट का जवान लोगों को किया जाता है, जिससे कि वो अच्छे से उसमें चिपक जाए और वो उसकी हड्डी के साथ ही उसका जो है कूल्हा मिल जाए, तो वो जो है लंबे समय तक चल सकता है। तो हमारे यहाँ जो लगभग इसका जो खर्चा आया है वो करीबन जो इम्प्लांट की कॉस्ट होती है वो करीबन 70,000 रुपये के आसपास इम्प्लांट की कॉस्ट होती है। बाकी उसके जो यूज एंड थ्रो वाली चीज़ें होती हैं तो और इंजेक्शन, अच्छे इंजेक्शन वो हमारे CMS साहब ने उपलब्ध कराए हैं और वो जो है उसका करीबन जो है जो भी लगभग खर्चा है करीबन 80,000 रुपये के अंदर ही उसका जो है ऑपरेशन हो गया है। जबकि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इसकी कॉस्टिंग 90। डॉक्टर दीपक गुप्ता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और कि उन्होंने बिना ICU के इस सर्जरी को संपन्न किया, जिसमें कि हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर RC यादव, उनका बहुत सहयोग है, क्योंकि इसमें कोई भी परेशानी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम ये देख ऑब्जर्व करते हैं कि इस स्थिति में इस ऑपरेशन को संपन्न करने के लिए एक कॉन्फिडेंट एनेस्थेटिक की आवश्यकता होती है और जितने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने निभाया है, सर्जरी को करवाया है, और सर्जन तो होता ही है उसमें, लेकिन साथ साथ एनेस्थीसिया का भी काफ़ी रोल होता है, जो कि आप लोगों को नहीं समझ में आता कि ये कितना, आप लोगों को केवल पर्दे के पीछे के डॉक्टर समझ में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ ICU की व्यवस्था नहीं है OT में, फिर भी इस सर्जरी को करने के लिए बहुत हिम्मत की आवश्यकता होती है और जो सर्जरी हमारे यहाँ की गई है उसका मैं OT इंचार्ज और हमारे हॉस्पिटल मैनेजर डॉक्टर निखिलेश कुमार और डॉक्टर दीपक गुप्ता, डॉक्टर RC यादव,
और हमारा अन्य स्टाफ, ओटी का जो अन्य स्टाफ है उसने भी बहुत हिम्मत से काम किया है। ये एक सराहनीय सर्जरी थी और ये अगर इस तरह की सर्जरी अगर यहाँ होती रहेगी तो मैं इस बात के लिए ये निश्चित कह सकता हूँ कि हॉस्पिटल बहुत आगे चला जाएगा और इस तरह की सर्जरी आगे भी होती रहेगी। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह की सर्जरी हो, तो उसके लिए हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं जुटानी पड़ेगी।